दांतों से जुड़ी हुई समस्या बेहद आम हो चुकी है, चाहे वो दांत में पायरिया होना, दांतों का पीला पड़ना, सेंसिटिविटी होना, कम उम्र में दांतों का टूट जाना। ये रोग अब परिवार में किसी न किसी को हो ही जाते हैं। ऐसे में अपने जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करके इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें पुराने समय के नुस्खे काफी कारगर माने जाते हैं। इस विषय पर हजारीबाग के महेश सोनी चौक गोला रोड में स्थित पतंजलि चिकित्सा के डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि दांत के रोग अब बेहद सामान्य हो चुके हैं। हर 10 में से 2 लोग दांत की समस्या से परेशान हैं। पुराने समय में ये रोग बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इनके मरीजों में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण है दांत साफ करने के लिए दातुन का इस्तेमाल न करना। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व के समय में लोग दातुन का इस्तेमाल करते थे। दातुन के कई फायदे हैं, जिसमें दातुन का इस्तेमाल करने से दांतों और मसूड़ों पर जोर पड़ता है, जिससे वो मजबूत होते हैं। साथ ही पेड़ के दातुन में कई प्रकार के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। दातुन करते समय मुंह में फैले कई बैक्टीरिया को ये मार देता है। आयुर्वेद दातुन करने के लिए कारोंज, सखुआ और नीम का दातुन सबसे उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहले दांत के लिए जो आजकल ब्रश और पेस्ट का प्रयोग होता है, तो ब्रश और पेस्ट दोनों का दांत को कमजोर बनाता है। पूर्व समय में दतवन का प्रयोग किया जाता था, और जो दतवन का प्रयोग हमेशा करता है उसका दांत कभी कमजोर नहीं होता है। उससे दो फायदा होता है, एक तो दतवन का जो रस उसमें जाता है उससे दांत मजबूत होती है, और साथ साथ दतवन जो चबाते हैं उससे दांत का एक्सरसाइज होता है, इससे काफ़ी दांत मजबूत होता है। जो लोग हमेशा दतवन का प्रयोग करते हैं उनका दांत कभी कमज़ोर नहीं होता है। फिर भी अगर किसी तरह से कमज़ोर हो गया है तो इसमें फिटकरी का प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। इसे फिटकरी को जो है गर्म पानी में डाल के उससे डेली कुल्ला करें, कुल्ला करने से दांत काफ़ी मजबूत होता है। दांत में अगर किसी तरह का खड्डा वगैरह भी हो गया है तो उसमें सुधार आ जाता है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और तथ्य मान्यताओं के आधार पर हैं। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। लोकल 18 हजारीबाग से रूपांशु चौधरी की रिपोर्ट।